नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बे में मौलाना सलीम मेमोरियल अखिल भारतीय खेल महोत्सव का आयोजन निजामी स्पोर्ट्स मधा के द्वारा आगामी 1 दिसंबर से आयोजित कराया जाना है, जिसमें 1 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 4 चरणों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उक्त जानकारी निजामी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बीतू बादशाह ने प्रेस वार्ता कर दी है। कस्बे के रहमानिया स्पोर्ट्स ग्राउंड में प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं रहमानिया कॉलेज के संस्थापक मौलाना सलीम जाफरी साहब के नाम मौलाना सलीम मेमोरियल अखिल भारतीय खेल महोत्सव 2024 का शुभारंभ निजामी स्पोर्ट्स मधा के द्वारा 1 दिसंबर से रहमानिया स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो रहा है। खेल महोत्सव शुभारंभ के पूर्व निजामी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बीतू बादशाह ने प्रेस वार्ता के खेल आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें बताया कि खेल महोत्सव का शुभारंभ 1 दिसंबर को होगा, जिसके पहले चरण में अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा जो 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें हरियाणा, गोरखपुर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, झांसी, कानपुर व गाजियाबाद की टीमें प्रतिभाग करेंगी। इसके बाद दूसरे चरण 9 व 10 दिसंबर को वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसमें कुल 11 टीमें प्रतिभाग करेंगी। तीसरे चरण 11 व 12 दिसंबर को अंडर 16 हॉकी टूर्नामेंट होगा, जिसमें गोरखपुर, चरखारी, बांदा सहित मेजबान टीम निजामी स्पोर्ट्स मधा प्रतिभाग करेंगी। अंतिम एवं चौथे चरण में अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का भव्य आयोजन होगा, जिसमें पंजाब, लखनऊ, गाजीपुर, साफ़ेद, महाराष्ट्र, झांसी, बनारस व राजस्थान की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष बीतू बादशाह ने सभी नगर सहित क्षेत्रवासियों से खेल महोत्सव का आनंद लेते हुए उनको कामयाब बनाने की भी अपील की। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था? निजामी स्पोर्ट के मैनेजर हैं जनाब मुसाद अहमद साहब, ये बैठ इसका सिर्फ एक मकसद है कि इस खेल बढ़ावा को, इस खेल महोत्सव को हम कैसे हाईलाइट करें, देश विदेश तक खबरें पहुंचे। तो हमने अपने जितने भी पत्रकार बंधु थे उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की इसमें हमारा साथ दें, ताकि ये हमारा जो खेल महोत्सव है वो दूर दूर तक लोग इसको जाने। इसकी शुरुआत कब से होगी और कब तक? ये 1 दिसंबर से उद्घाटन क्रिकेट का है, जिसमें आपकी दिल्ली और झांसी की टीमें के बीच उद्घाटन होगा और उसके चीफ गेस्ट हमारे श्रीनाथ चेयरमैन साहब हैं और इसका फाइनल होगा 7 दिसंबर को। इसमें क्या क्या प्रोग्राम है टीम के? 1 से 7 दिसंबर तक तो हमारा क्रिकेट का ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसके बाद 8 तारीख को अहद एकेडमी, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं हमारे यहाँ सालों भर से कर रहे हैं, उनसे मैच होगा हमारे निजामी क्रिकेट क्लब का, जिसमें मोदी क्रिकेट क्लब के पुराने प्लेयर भी खेलेंगे। उसके बाद 9-10 के में वॉलीबॉल ऑल इंडिया, 11-12 अंडर 16 हॉकी और 13 से हमारा ऑल इंडिया बड़ा हॉकी टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसका फाइनल 18 पिछली बार हमें काफी चीजों में दिक्कतें हुई थी, हमें प्लेयरों के लिए हमने उस अदर मंच बना रखे थे सामने की तरफ, जिससे न उनको पानी मिल पा रहा था न उनको कुर्सियां मिल पा रही थी। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम जो हमारा मेन स्टेज है उसी के अगल बगल हम प्लेयरों को रखें, ताकि उनको जो भी कमियां हों हम फौरन पूरा करें। अंपायरों के पास पानी नहीं पहुंच रहा था, हम लोगों ने सब कुछ यहीं पे अपने बगल में रखा है, कोशिश की है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। पिछली बार अगर पब्लिक को देखा जाए, जो दर्शक थे वो बहुत बड़ी संख्या में आए थे, और क्या लोग उम्मीद समझ रहती है कि इस बार और ज्यादा उम्मीद है? ये बिल्कुल, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है, इसकी शोहरत बढ़ चली आ रही है, तो जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि लोग सिर्फ महोत्सव देखने के लिए दिल्ली विदेश से छुट्टियां ली हुए हैं, कि हमें 1 तारीख से 30 तारीख तक हमें छुट्टियां ली हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो है पिछले साल से ज्यादा आए। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।